आईना कादियानियत किताब है जो खत्म नबूवत के वहां से छपी है और इसका नया एडिशन हजरत मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब ने उसको तरतीब दिया और तमरीन भी कराई ताकि जो ऊपर लिखे हुए सवाल लिखे हैं जवाब लिखे हैं कादियानियों के बारे में और आखिर में हर बाब में आखिर में मश्क दी है तो उससे और शौक बढ़ता है और इंसान की बात समझ में आती है। और जारी बात है खत्म नबूवत ने इतनी तकसीम करने के लिए नहीं बनवाई नहीं छपवाई, अल्लाह ताला ने हमारे उन्होंने भी पैसे भेजे और हमारे दोस्तों को अल्लाह ने तौफीक दी कि इतने बड़े काम के लिए पैसे खर्च हुए तो वो मसाजिद में उलमा को तकसीम कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर अल्हम्दुलिल्लाह है, मुस्तफा अगर नहीं है तो कली लगवा दीजिएगा। ठीक, अब उसमें मैं आपसे 30 सवालात के जवाब आते हैं इसमें इंशाल्लाह ताला ये किताब इतनी नाफे होगी कि उससे फितने में कोई नहीं आएगा। मैं नेमत के तौर पर अर्ज कर सकता हूं कि लाहौर के सफर में चौधरी परवेज इलाही जो स्पीकर हैं वहां के सूबाई असेंबली के और उस वक्त एक्टिंग गवर्नर भी थे वो मिलने आए, मैं तो भाग रहा था लेकिन कहा नहीं बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, ये बस तफसील का मौका नहीं, वो आकर बैठे बातें शुरू हुई तो उन्होंने मैं तो बस देख रहा हूं और ऐसा दिल चाहता था सिजदे में रोऊं और मर जाऊं लेकिन आइंदा किसी को हकीर न समझूं। कहने लगे कि मैंने आस्ते आस्ते अंदर अंदर जो है वो ये काम चलाया और बड़ी ताकत वालों से अल्लाह ने बचाया और ये नाफिज कर दिया हमने। मैंने कहा क्या का कुरान पाक को स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो सब में लाजिम कर दिया और जो कुरान पाक में फेल सारे सब्जेक्ट में फेल। अब आखिर समझो किसी को गीबतें करो इतना खा गया वो खा गया, ये इनकी खवातीन की एक तस्वीर भी नहीं मिलेगी और इनकी अहलिया और ये लोग गए तो इनके लिए जाली मुबारक का दरवाजा खोला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वहां किसी नालायक ने तस्वीर खींच ली तो इतना नाराज है इनकी बीवी के इनको शर्म नहीं आती है कि जाली मुबारक पर गुनाह कबीरा करते हैं, छीनो उसे मोबाइल तोड़ो उसके मोबाइल को और हम अकीर समझते रहे सबको नऊज़ुबिल्लाह। खात्मा किसका कैसा होता है, बेटे साहब की शरई दाढ़ी है जी टखना खुला हुआ पता चला मौलाना साहब है। दूसरा जो उन्होंने काम किया कुरान पाक की आयत और एक हदीस पाक उसको तस्वीर हराम है लेकिन मैं उस वक्त उसकी तारीफ तो तस्वीर की नहीं कर रहा, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के ऊपर वो कुरान पाक की आयत और हदीस पाक दरवाजों पर और आर्डर्स जारी कर दिए कि गवर्नमेंट के जो लेटर पेड है उस पर यह लिखा जाएगा आयत और हदीस पाक का। अब मैं कोशिश कर रहा हूं जितने डिपार्टमेंट हैं वहां के दरवाजे पर भी लिखवाऊं और सीढ़ियां उतरते हुए चढ़ते हुए ये आयत और ये लिखवाऊं। अब अकल लड़ाइए आप, हजार हजार साल की इबादत एक तरफ दूसरे को अकीर समझ रहे हैं, अल्लाह ने ऐसा काम ले लिया उसको बदल भी करेगा कोई, खून खराबा हो जाएगा। जनाब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के खत्म पर हैं और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। तर्जमा तफसीर बयानुल कुरान। हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की है और तिर्मिज़ी शरीफ की है जिल्द नंबर 2 सफा 45 और अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा 228 पे। व अना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी, मैं खातमुन नबी हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, बस मेरे बाद न कोई रसूल है न नबी। मैं अपने यहां के दोस्तों से बाहर मुल्कों के दोस्तों से जिनकी मोबाइल की मजबूरी है उनसे कहता हूं कि आप अपने मोबाइल पर ऊपर ऊपर जो होता है ना उसको पता नहीं स्टेटस बोलते हैं पता नहीं क्या कहते हैं वहां लिखवा लो, घर में आप दफ्तर के मालिक हैं दफ्तर में लिखवा लो जितना हो सके। ये एक आयत ये एक हदीस पाक जूता काफी है कादियानियों के लिए, जो जिसको बर्बाद ही होना है उसको तो फिर अल्लाह ताला कोई जज फरमाए तौफीक तौबा तो दे रहे हैं। बड़े बड़े माशाल्लाह इस्लाम कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां रब्बा में कोई नाम नहीं ले सकता था आज वहां मस्जिद है मदरसे हैं। मैं खुद मिला हूं एक साहब से जिनके यहां आए थे खत्म नबूवत वालों के साथ के जिनका वहां मदरसा है और मस्जिद है और डंके की चोट डरते भी नहीं है किसी से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां तक एक बुजुर्ग खत्म नबूवत के उन्होंने मुझसे पैगाम भिजवाया कि अपने बयान में सिर्फ इतना कहा करो और तुम्हारे दोस्त जो बयान करते हैं तुलबा वगैरह के हर बयान में कोशिश करके कहा करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये गांव वाले बेचारों तक पहुंचेगा काम बनेगा। आप जिस तरह चाहें उसके स्टिकर बनवाएं जिस तरह चाहें अल्लाह समझ दें वैसा रखें। अब इस पर मैं दो बातें सुनाता हूं।
حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا. مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں. مسلمان نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تمہاری یہ بات نہیں سن سکتا. ماشاءاللہ. مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے، اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جلیل القدر بزرگ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش نمرود کو گلزار بنا دیا. یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا. جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا، اس دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی. حضرت ابو مسلم نے انکار کیا. پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا ہاں. اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رحمتہ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اسے صحیح سلامت نکل آئے. یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود انسی اور اس کے رفاقہ پر ہیبت ستاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروں کی ایمان میں تزلزل آ جائے گا. چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا. یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ شریف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن مدینہ شریف جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلا گیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے، اور اسد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے. انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا یمن سے. حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یمن سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے. اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فراست اپنا کام کر چکی تھی. انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہی صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرط مسرت اور محبت سے ان کی پیشانی چوم کر ان کی پیشانی کو بوسا دیا. انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہیں صدیق اکبر اور اپنے درمیان میں بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کی اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا. ہمیں کیا محبت ہے، قادیانیوں کو دوست بنایا ہوا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو دوست بنایا ہوا ہے. ادنا درجہ یہ ہے کہ قادیانی سے یہ کہا جائے ہمارے گھر میں اور ہمارے دفتر میں آئندہ نہیں آنا تم یہاں پر، یہ ادنا درجہ ہے. ہم یہ علماء سے پوچھ کر اعراب لگا کر صحیح ترجمے کے ساتھ اس کے اسٹیکر چھپوائیں، تقسیم کریں، کیا معلوم کسی اسٹیکر پر کسی کا ایمان صحیح ہو جائے. یہ دوست نہیں ہمارے، یہ دشمن ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کفار سے زیادہ خطرناک کیوں ہے. فرمایا ان پر کفار کا لیبل نہیں لگا ہوا،
ये अपने को मुसलमान कहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है, आस्तीन के सांप हैं, उनको तो पता है ये हिंदू है, ईसाई है, ये जो बात करेगा गड़बड़ वाली बात करेगा, और ये जो करेंगे उसके बारे में आदमी कहेगा देखो इनकी इबादत की जगह भी है। मैंने कहा कि इनकी मस्जिद की भी जगह है, हमारे मौलाना यूसुफ अब्बास साहब या किसी ने कहा कि उसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है कि शेख मस्जिद न कहें, उनकी अपनी इबादत का जो तरीका है उसकी जगह कह दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी दुआएं भी दी मैंने। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे मुरीद है, इतने पुराने ताल्लुक से बैठते हैं, मेरे खलीफा हैं, ये तकब्बुर होता है। फर्ज करे समझ में नहीं आ रहा, एक मिसाल है, तो बात मानने में क्या नुकसान हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमाए। इसी के साथ एक बात और अर्ज करता हूं, इसके बाद एक और बात और से सुनना। अल्लाह अल्लाह, शेखुल अरब अल अजम आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह का बयान है 25 रबीउल अव्वल। भाई इसका इरादा भी है कि हम इसको फैलाएंगे आयत को और हदीस पाक को फैलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये न समझें कि हम कम हैं, हम ये समझें कि अल्लाह की मदद साथ आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिपोर्ट पहुंचेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की खुशी सबसे बढ़कर है। अपनी तरफ से न करें, खुदा न खास्ता कोई एराब गलती हो जाए, तर्जुमा गलत हो जाए, या तर्जुमा गलत हो जाए कितनी देर लगेगी, किसी भी दारुल उलूम में चले जाएं, ये आयत लिखवा लें, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 और ये हदीस पाक लिखवा लें, हमसे हमारी तरफ से मना नहीं, ईमेल करें, हम इंशाल्लाह आपको भेजेंगे अल्लाह के करम से, इंशाल्लाह ताला ये किताब जरूर हासिल करें। ये इसमें आधे से ज्यादा तो उलमा की बातें हैं, लेकिन आधी तो कम अज कम वो है जो हमारी अकल में आनी चाहिए ना भाई। 19 अप्रैल 1974 25 रबीउल अव्वल जामे मस्जिद गोल मार्केट नाजमाबाद कराची, बाद नमाज जुम्मा तकरीबन 80 सामईन थे। ये अल्लाह वाले ये नहीं देखते कि 80 है या 8 है या कोई भी नहीं है, अल्लाह तो है ना। अर्शाद फरमाया कि हमारी जिंदगी को संवारने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फिक्र थी कि अल्लाह तआला ने कुरान पाक में अपने नबी के इस गम की और फिक्र की जो आपको अपनी उम्मत के लिए थी शहादत दी। फलअअलका बाकिउन नफ्सक, ए हमारे नबी, सूरह काफ आयत नंबर 6, क्या आप उनके गम में अपनी जान दे देंगे। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सूरह माईदा की आयत पढ़ते रहे, इतना रोते रहे कि सुबह तक सुबह हो गई, आंखों से आंसू मुबारक जारी थे। इन तुअद्दिबुकुम फइन्नकुम इबादुक व इन तग़फिर लकुम फइन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, सूरह माईदा आयत नंबर 118। ये दोनों बातें भी अगर दिल में उतर जाए ना, खुदा की कसम मैं भी अल्लाह वाला बन जाऊंगा। फिर हम कुफार के जैसे बाल नहीं बनाएंगे, हम उन जैसे ड्रेस नहीं पहनेंगे, हमारी बेटियां चुस्त लिबास और बारीक लिबास और लेगिन और जीन्स और औरतों की नकल करके जाके नामहरम के साथ जॉब करना और नाच गाना बेहया यूरियानी फहाशी मेहंदी मायो, समझो ना कि ये बात दिल में उतर गई ना, सब गुना छूट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हम ढूंढते मौला को हैं और पाके रहेंगे, मौला के थे, मौला के हैं, मौला के रहेंगे। जनाब लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अल्लाह ने नमूना भेज दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, न कम न ज्यादा चाहिए। ये फिर हम यहूद व नसारा का थूका हुआ चाटेंगे नहीं, हिंदुओं की औरतों का, हिंदुओं के मर्दों का थूका हुआ नहीं चाटेंगे। हर बात में पूछेंगे इसमें सुन्नत बालों में क्या है, कपड़े में क्या है, अकीके में क्या है, सालगिरह, ये लो फतवा यहूदी और नसारा की नकल है, और हम बचते जाएंगे। सुने ए अल्लाह, अगर आप उनको सजा देंगे तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप उनको माफ फरमा दें तो आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं। तफसीर बयानुल कुरान ये आयत बार बार पढ़ते थे यहां तक कि सुबह हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। मेरे दोस्तों, अब ये देखें तीर बरस रहा है दिल पर, मेरे दोस्तों हमने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त नहीं की थी, हम उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हमारा बगैर कहवा भी सुन रहे थे। आप बारगाह रब्बुल इज्जत में हमारी मगफरत की सिफारिश फरमा रहे थे। महरूमी फरमाते हैं जब हम मौजूद भी नहीं थे और हमारे पास तकाजा सवाल जबान तलब नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम ने हमारी अनकही बातों को सुन लिया। हमारे कलमे और ईमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बलाएं और तकलीफें उठाई। ताइफ के बाजार में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके सर मुबारक से नालेन मुबारक खून से भर गए, आपकी नालेन मुबारक खींचने लगे वजू के लिए, ऊंट की ओजड़ी रखी गई, कांटे बिछाए गए,
इतना शहीद किया साहब रिजवान अल्लाह अलैहि मजमईन को, दंदान मुबारक शहीद हुए। सीरत की किताब पढ़ें तो पता चले ना, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैहि की, नशरुद्दीन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की, ये छोड़े नावलों और डायजेस्टों को जो हमारी बहू बेटियां दीन का नाम लेती हैं नावलों में लगी हुई हैं, और शोहर को सताना पता नहीं क्या क्या मसले अलग। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सताए गए, आपने खुद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जितना मैं सताया गया कोई नबी इतना सताया नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतना गम उठाया, आपको हमारा इतना गम था। अब गौर ये करना है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कितना गम है, जो हम दीन को, जो दीन आपको इतना प्यारा था, जिसके खातिर सैयदुल अंबिया ने अपना खून, कीमती खून सस्ता करना गवारा किया, और हमें ये देखना है कि हम इस दीन पर अमल करके आपकी जान मुबारक को मशरू करने की किस कदर फिक्र रखते हैं। प्यारे शेख ने फरमाया था जब जाली मुबारक पर जाओ तो कहना कि अल्लाह मेरे गुनाहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकफूर फरमा दीजिए, छुपा दीजिए मुझे, और जाने पाके रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे मस्तूर फरमा दीजिए, और जाने पाक रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे से मसरूफ फरमा दीजिए, मेरे गुनाहों की माफी अल्लाह से मैं मांगूंगा तो काम बनेगा ना। आप माफी मांगेंगे तो मेरा क्या काम बनेगा, लेकिन इज्तिमाई और इनफरादी तो माफी मांगनी ही मांगनी है, लेकिन जब तक मैं तौबा के चार शर्तों पर अमल नहीं करूंगा तो मेरा काम तो नहीं बनेगा। आप मेरी तरफ से कैसे चार शर्तों पर अमल करेंगे? बहरहाल कोई नया आदमी ना हो, वेद के दर्रा जितने गुनाह हो चार शर्तें, गुनाह से अलग होना, नदामत तारी होना, पक्का इरादा कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, नंबर चार जिसका हक मारा उसका हक वापस कर देना। जनाब हर हमारे आमाल हर जुम्मे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पेश होते हैं, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 5 सफा 126, और दूसरी रिवायत में है कि हमारी नेकियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। जो शेव करता है, गुनाह कबीरा करता है, वाजिब को गटर लाइन में डालता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आमाल पहुंचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे या गमगीन होंगे, और अमलन हराम के करीब हो जाता है वाजिब के बारे में। जनाब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और गुनाहों से गमगीन होते हैं। बस अगर हम देखिए भैया, अब आखिरी तीन चार लाइनें देखना, ये जो टोटल कह रहा हूं ना कि दिल में घुस जाए, बस अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं चल रहे और अगर आपकी सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, अगर उस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं तो खूब समझ लो कि हम आपकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर रहे हैं। हमारे दिलों में इस प्यारे रसूल का गम नहीं, वरना होता तो हमारी बहू बेटियां शरई पर्दा नहीं करती। अगर वो नहीं करती तो हम क्यों नहीं करते शरई पर्दा? जनाब अब इस पर तफसील ज्यादा है लेकिन वक्त कम है। हमारे दिल में इस प्यारे रसूल का गम नहीं है जिसको हमारी इतनी फिक्र थी कि कुरान पाक में अल्लाह ने गवाही दी कि ईमान वालों तुम्हें जितनी अपने जानों से मोहब्बत है हमारे नबी को तुम्हारे जानों के साथ उससे भी ज्यादा मोहब्बत है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। आज हम अब देखिए ये आखिरी लाइनें जो है, जो खास बार 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 अल्लाह ताला इसको तौफीक दे रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है। अगर वहां कंधों तक बाल रखे जा रहे हैं तो हम फौरन रख लेते हैं, अगर वहां गालों की दाढ़ी को काटकर थोड़ी तक फ्रेंच कट है तो हम भी ऐसी शक्ल इख्तियार करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते बल्कि फख्र करते हैं। अमेरिका, लंदन, बरतानिया, लंदन और हिंदुस्तान वालों की तहजीब और माशरत को हम इस तरह अपना रहे हैं हिंदुओं की कि गोया हमारे, देखो ये जुमला दिल काट देता है, गोया हमारे सारे चहेते लंदन, अमेरिका और हिंदुस्तान में ही हैं और मदीने में हमारा कोई नहीं है। इस तरह पागलों की तरह नाच गाना मेहंदी मायों। अभी एक दावत का पता चला, मुफ्ती नईम साहब ने फरमाया मैंने पहली दफा सुना है, आप भी पहली दफा सुनेंगे, और शरीक न होने पर गालियां और तड़ियां। जैस दिखाने की रस्म बैंक्यूट हॉल में, और नाम नहीं बताऊंगा, नहीं समझें कि 200 से लेकर 400 के दरमियान का खाना। भाई सुना कभी आपने? हमने तो नहीं सुना। भाई सुना आपने ये कभी? हो सकता है सुनी हो, मेरे लिए तो नहीं है। कि अब ये कहां से निकाला भाई? निकाह के बाद का खाना, मेहंदी का खाना, मायों, हर जगह नाच गाना, बेहया, यूरियानी, फाशी, निकाह में मूवियां बन रही हैं। पहले से ऐलान कर रहा हूं कल 3 निकाह है, हमें कम से कम 15-18 दोस्त चाहिए जो यहां दाएं बाएं और सामने भी खड़े रहे। मैं नहीं पढ़ा था जुम्मे के दिन निकाह क्योंकि तस्वीर से डर लगता है। अब वो तीनों ही ऐसे कि मना नहीं कर सका मैं, एक ने को मना नहीं किया, अब दो को कैसे मना करूं? तो ये खास ख्याल रखना, जो आते हैं जिनकी नौकरी मजबूरी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आते हैं अभी सुन रहे हैं और जो कल जुम्मे में आएंगे आप लोग याद दिलाना, इसका फिक्र रखना है।
جناب کیا بات ہے، ہم ایسا ان کی تہذیب کو معاشرت کو اپناتے ہیں گویا ہمارے سارے چہیتے لندن میں ہی ہیں اور مدینے میں ہمارا کوئی نہیں، مدینہ شریف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں گویا ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں. آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کیا یہی حق ہے کہ ہم آپ کے مبارک طریقوں کو، جبکہ جس نے حدیث پاک ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. حالانکہ سنتیں تھوڑی مر جاتی ہیں، مفہوم کے لیے یہ کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا کہ یہی ہے کہ ہم آپ کے مبارک طریقوں کو، آپ کی پسندیدہ تہذیب جو اللہ کو پسند ہے اور معاشرت کو چھوڑ کر آپ کے دشمن نے کوئی تہذیب کو سینے سے لگائیں. بتا چکا ہوں کہ یہودیوں نے کہیں لکھا ہے 200 کہیں لکھا ہے 300 ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، کہیں 200 کہیں 300. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا، کتنوں کو شہید کیا، کس طرح حجاج بن یوسف نے کڑھائی کے اندر گرم گرم ڈالا، کس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی مبارک، کس طرح ظلم کیا انہوں نے، آج خوش ہوتے ہیں ان کی نقل کر رہے ہیں. سر کے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو سر پر جب سنت نہیں تو دماغ میں کہاں سے، جب دماغ میں نہیں تو دل میں کہاں سے.